नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जब हम मौलिक अधिकार का अध्ययन करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हमको ये स्पष्ट होता है कि इसके माध्यम से समाज के कुछ वर्गों के लिए, चाहे वो महिला हों या बच्चे हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, इनके लिए कुछ विशेष प्रकार के सहूलियत और कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिससे उनको विकास और समाज की मुख्य धारा में जोड़ना संभव हो सके। तो इसी पृष्ठभूमि में आज का ये लेक्चर पूरी तरीके से आरक्षण पर आधारित है और इसके माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण के क्या ऐतिहासिक प्रयास रहे हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान रहे हैं और इसके संदर्भ में समय समय पर किस चीज़ की मांग विरोध किया जाता रहा है और आरक्षण धरातल पर कहाँ तक क्रियान्वित हो रहा है और कितना ये औचित्यपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसका एक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सामाजिक न्याय पर आधारित एक ऐसे संविधान की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से ये कोशिश की गई है कि समाज के निचले तबके, समाज के तृणमूल स्तर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान किया जाए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, बच्चे हो, इन सभी लोगों के लिए ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि वे भी अपने विशेष स्थिति से बाहर आ सकें, समाज और विकास की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सकें, अपने अपने परिवार के साथ समाज के विकास में योगदान देते हुए पूरे राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकें। तो इस पृष्ठभूमि में आरक्षण की बात होती है। तो आरक्षण का तात्पर्य संविधान की उस व्यवस्था से है जिसके माध्यम से समाज में ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और बच्चों को एक विशेष प्रकार की सहूलियत दिया गया है ताकि समाज के सशक्त वर्गों के प्रतियोगिता से उनको पृथक रखते हुए, उनको कुछ सहूलियत प्रदान करते हुए समाज और विकास के मुख्य धारा में उनको लाया जा सके, विभिन्न प्रकार के सेवाओं में, विभिन्न प्रकार के नियोजन में उनके भूमिका को स्वीकार किया जा सके और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से आरक्षण की जो व्यवस्था है मूलतः विभिन्न प्रकार के सेवाओं में, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। तो अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो स्वतंत्रता के बाद से ही आरक्षण को लेकर के प्रयास और प्रारंभ किए गए थे। तो इसके संदर्भ में शासन ने 1953 ईस्वी में कालेकर जो है समिति का गठन किया था। इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी, इस समिति के द्वारा जो आयोग ने रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट पर अलग अलग तरीके से जो है विचार किया गया, लेकिन शासन और विभिन्न प्रकार के सिविल सोसाइटी और अन्य लोगों के द्वारा किसी निष्कर्ष पर जो है नहीं पहुंचा जा सका। तो पुनः जब 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उनके माध्यम से 1979 ईस्वी में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इस आयोग को समाज के उन वर्गों के लिए जिनके लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी उनकी स्थिति का अध्ययन करना और इस पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की गई थी ताकि इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाया जा सके। और ध्यातव्य है कि यह द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, पूर्व में ये प्रथम था और यह द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसके माध्यम से बीपी मंडल समिति आयोग बनाया गया और यह आयोग अनुच्छेद 340 की पृष्ठभूमि में 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई भी अधिकारी कोई भी आयोग का गठन कर सकते हैं जो कि पूरे परिस्थिति का अध्ययन करेगा और उन सभी संभावनाओं की तलाश करेगा जिसके आधार पर इन वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाना अपेक्षित है या कोई कदम उनके लिए जो है मांग के रूप में रखा जाए। तो इस तरीके से 1979 ईस्वी में बीपी मंडल जो आयोग बनाया गया उसने 1980 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कुछ तथ्यात्मक बातें थी, कुछ अवधारणात्मक बातें थी, कुछ सरकार के लिए निर्देश था जिसके माध्यम से इन समाज के वर्गों के लिए कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकते थे। इन्होंने 3743 जातियों को यह माना कि ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अत्यंत ही पिछड़े हुए हैं
और इनको समाज विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सहूलियत प्रदान करना आवश्यक है, तभी समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के निर्माण में हम इनकी भूमिका को स्वीकार कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनकी जनसंख्या जो थी वो टोटल जनसंख्या की 52% देश की कुल जनसंख्या की, इन ओबीसी जो 3743 संख्या में थी जातियों के रूप में, उनकी संख्या टोटल जनसंख्या की 52% थी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 27% जो है सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के सिद्धांत का इसमें समर्थन किया और अपनी अनुशंसा सरकार को रिपोर्ट के रूप में 1980 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अब आगे ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया इसमें 1990 ईस्वी में बीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई जिन्होंने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का भी समर्थन किया। मामला 1992 ईस्वी में, यहाँ पे देखेंगे कि 90, 91 और 92 ये क्रमिक रूप से यहाँ पर प्रगति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर 27% आरक्षण माना गया, यहाँ पर 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण माना गया कि दिया जाए, और 92 ईस्वी में जो कोर्ट ने इन सभी प्रकरणों का निर्वचन किया, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या इन सभी प्रकरणों का किया और उसमें ये बताया कि ये 10% आरक्षण का नियम अवैध है और इसने 27% आरक्षण के सिद्धांत का अपने न्याय में समर्थन कर दिया। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि 27% आरक्षण की बात इन्होंने कहा, लेकिन कोर्ट ने अपने इस व्याख्या में, अपने इस निर्णय में दो और महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी इसने चर्चा किया। एक था कि आरक्षण किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता, ये आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, ये 50% से प्रत्येक दशा में कम होगा। और दूसरा इसमें जो था वो क्रीमी लेयर की बात उन्होंने किया कि क्रीमी लेयर को बहुत ही कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाए। तो यहां पर यह आरक्षण देने के साथ साथ इन दोनों ही परंतु यानी कि दोनों ही जो शर्तें इसमें लगाई गई कि ये 50% से कम हो यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और दूसरा क्रीमी लेयर। पूर्व में भी एक कक्षा में क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर जो है चर्चा किया गया था कि क्रीमी लेयर पिछड़ों में अगलों की व्यवस्था है जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से अपने आप को एक मजबूत और सशक्त स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। अब उनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के सहूलियत की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अनारक्षित वर्ग की तरह से ट्रीट किया जा सकता है और वही होता है क्रीमी लेयर। तो इस तरीके से 1992 स्थिति तक लगभग आरक्षण की स्थिति यहाँ पर अस्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ती है। तो जो ये 50% की बात कही गई थी इसके आधार पर चूंकि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं तो कुछ जगहों पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद इससे ज्यादा की व्यवस्था हो सकती है। तो अभी हम इसमें कुछ संवैधानिक जो प्रावधान है, जो संविधान संशोधन है, उसको इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी, चूंकि ये अभी जो व्यवस्थाएं बताई गई वो ओबीसी वर्ग के लिए थी। आगे की जो व्यवस्थाएं थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे वो एससी और एसटी इत्यादि वर्गों के लिए है, तो और भी इसके दायरे को हम व्यापक रूप में समझने में सफल होंगे। तो इसमें 76वां संविधान संशोधन लागू किया गया और इसके माध्यम से 69% आरक्षण की बात संविधान संशोधन, चूंकि जो भी व्यवस्थाएं कही गई हैं अगर उसमें किसी तरीके से परिवर्तन करना होगा तो टोटल संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी प्रकार की व्यवस्था को, किसी भी प्रकार के नवाचार को, किसी भी प्रकार के पहल को हम वैध बना पाएंगे। तो संविधान के 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से 69% ये तमिलनाडु के लिए व्यवस्था की गई, तमिलनाडु के लिए ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पर 69% आरक्षण की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि पूर्व में 92 में जब आरक्षण और इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के वर्गों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन की व्याख्या कोर्ट के द्वारा किया जा रहा था तो वहां पर यह बताया गया था कि ये 50% से एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 69% था इसलिए यहाँ पे संविधान संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और इसके द्वारा तमिलनाडु के लिए 69% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अब इसके बाद 77वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये कुछ संविधान संशोधन है जो आरक्षण और उसकी व्यापकता को जो है अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इन संविधान संशोधनों को भी चर्चा करना आवश्यक है। इसके माध्यम से कई बार प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखा जाए तो पीजीटी हो या नेट की परीक्षा हो या आईएएस प्री की एग्जाम हो वहां पर मिलान के लिए आता है,
तो ये भी चीजें स्पष्ट होना आवश्यक है। या आप मुख्य परीक्षा अगर आप में उत्तर लिख रहे हैं तो बीच में अगर इसका आप उल्लेख करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर बहुत ही आकर्षक और प्रभावी होगा और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर होगा। तो इस तरीके से 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से एससी के लिए जो है ये व्यवस्था की गई कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया कि प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन की बात स्वीकार की गई, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात स्वीकार की गई। और इसी से ये सभी जो संविधान संशोधन है वो एक ही प्रकार की व्यवस्था से संबंधित है, इसके यहां पर उल्लेख किया जा रहा है। 22वें संविधान संशोधन में इस वर्ग को विभिन्न प्रकार के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाओं के लिए एससी वर्ग में अंकों की और योग्यता दोनों में ही जो है छूट प्रदान की गई, यानी कि इनकी योग्यता एवं अंकों में इन दोनों में जो है छूट प्रदान की गई। 22वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ और विभिन्न प्रकार के राज्यों की सेवाओं में एससी वर्ग को योग्यता और अंकों में छूट प्रदान की गई। इसी तरीके से 85वां संविधान संशोधन आया, ये 76, 77, 82 और 85 एक ही प्रकार की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए याद करने पर कई तरीके के सवाल इससे हल हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के संदर्भ में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के संदर्भ में पारिमाणिक वरिष्ठता प्रमाणिक ज्येष्ठता की सिद्धांत का इसमें व्याख्या किया गया, इससे भी संबंधित सवाल को भी पूछा गया है। तो इस तरीके से यह जो है एक संवैधानिक प्रावधान है, संविधान संशोधन है, जिसके माध्यम से एससी और एसटी वर्ग के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और पूर्व में प्रथम और द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के माध्यम से ओबीसी वर्ग के बारे में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे कोर्ट ने 92 में जो है व्याख्या करते हुए उसे वेरीफाई कर दिया था। अब ये जो व्यवस्थाएं हैं समय समय पर प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के चैलेंज किया जाता रहा है। 2017 में हाल ही फिलहाल में 2017 में अगर देखा जाए तो कोर्ट के द्वारा 2017 में कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह मामला जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का है वो राज्य के ऊपर है और राज्य इसको युक्त ढंग से इसको बोलते हैं रीजनेबल विवेकपूर्ण ढंग से। विवेकपूर्ण शब्द ही अपने आप में बताता है कि अगर कोई भी व्यवस्था है वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए और औचित्यपूर्ण ढंग से उसको लागू करने का प्रयास होना चाहिए। तो वर्तमान समय में आरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं के गेट जो है वो राज्य के पाले में है और वो सामाजिक संरचना के ताने बाने को ध्यान में रखते हुए वो आरक्षण की व्यवस्था का अपने स्तर पर अध्ययन करें और उसको व्यवहार में क्रियान्वित करने का प्रयास करें। तो ये पूरी तरीके से ये एक व्यवस्था थी जिसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण से संबंधित प्रारंभिक व्यवस्थाएं उसके मार्ग और संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ संविधान संशोधन के बारे में हमने अध्ययन यहां पर किया। आरक्षण के संदर्भ में लगातार समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा इस पर अपने अपने टिप्पणियां व्यक्त की जाती हैं, तो इसके निष्कर्ष के रूप में थोड़ा सा उसके औचित्य पर चर्चा करना आवश्यक है। आरक्षण को लेकर के कुछ इस पर आलोचनाएं की जाती हैं, तो इसके संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि आरक्षण की व्यवस्था मूलतः एक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की व्यवस्था है जिससे समाज के सभी वर्गों के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित किया जा सके और उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था के कई बार जो है उसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं और वह एक विवेकपूर्ण ढंग से क्रियान्वित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि आरक्षण का लाभ समृद्धशाली वर्ग के द्वारा ही उठाया जा रहा है, समृद्धशाली वर्ग के द्वारा ही उठाया जा रहा है। अगर किसी भी वर्ग की बात किया जाए तो उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो एडवांस लोग हैं, जो अग्रित लोग हैं, जो पिछड़े में अगले लोग हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से इसका लाभ उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर नेतृत्व के माध्यम से, कानून व्यवस्था के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करवाना पड़ेगा कि इसका लाभ समाज के उन वर्गों के लिए जो है मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं, यानी कि उसमें भी ग्रास रूट लेवल पर रहने वाले लोग। दूसरी समस्या है कि जब किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस आरक्षण के लाभ के आधार पर किसी भी
जगह पर पहुंचता है, किसी पद पर पहुंचता है, तो अपने आप को वो समाज से पृथक कर लेता है, उस वर्ग से पृथक कर लेता है, और पृथक कर लेने से वो प्रतिनिधित्व के उस भावना का विरोध करता है जिसके आधार पर उसका चयन किया गया होता है, क्योंकि यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के साथ साथ उस वर्ग के सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने का आधार है, जो कि इसके माध्यम से नहीं हो पाता है। एक तो समृद्धशाली वर्ग के द्वारा लिया जाता है, और दूसरा वह वर्ग जो अपने आप को, वह लोग अपने आप को उस वर्ग से पृथक कर लेते हैं, जिससे उस वर्ग की सामाजिक गतिशीलता रुक जाती है। इसीलिए इसमें कुछ लोगों को या समाज कुछ वर्गों के कुछ विशेष प्रकार के जो है जातियों को ही इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि यह उचित नहीं है, और यह प्रतिनिधित्व और आरक्षण तथा विशेष प्रकार के सहूलियत देने की भावना के जो है विरुद्ध है। तो इस आधार पर इसकी जो है कमियां जो है परिलक्षित होती हुई नजर आती हैं। हालांकि पूर्व में जो भी व्यवस्थाएं की गई थी वो सामाजिक और शैक्षणिक इन दोनों आधारों पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन इसमें अगर सुधार की व्यवस्था किया जाए तो निश्चित तौर पर यह समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो कहीं से भी हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जाती रही है। वर्तमान की जो सरकार एनडीए सरकार है उसने इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे करके इस नियम को अत्यधिक शिथिल बनाया और आरक्षण की व्यवस्था को और व्यापक बनाने का जो इसने प्रयास किया। तो वर्तमान समय में EWS के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया है। तो पूर्व में जहां पर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जाता था, वर्तमान समय में अब यह आर्थिक आधार पर भी दिया जाने लगा है। इससे आरक्षण की जो व्यवस्था को और व्यापक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए कि आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की व्यवस्था है, उसका निष्कर्ष ये है कि इस की जो व्यवस्था है वो विवेकपूर्ण ढंग से लागू होनी चाहिए और इस स्तर पर इसको क्रियान्वित होना चाहिए कि समाज का वह तबका जिसको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसके लिए इसे क्रियान्वित किया जाए, उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और समाज तथा विकास की मुख्य धारा भी उसको जोड़ा जाए, तभी हम आरक्षण और प्रतिनिधित्व की इस विशेष प्रकार की व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे। इसके संदर्भ में मैं रॉल्स सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बहुत बड़े जो है प्रतिपादक है, रॉल्स का एक सेंटेंस मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज जो है वो अपने कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समाज जो है वो व्यक्ति रूपी कड़ियों से अगर मिलकर के बना हुआ है तो वो उसकी सबसे कमजोर कड़ी ही उसकी मजबूती की सीमा निर्धारित करता है, क्योंकि कड़ी को अगर खींचा जाएगा तो सबसे पहली कड़ी जो है वही टूटेगी जो सबसे कमजोर होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें समाज के सभी लोगों को जो है मजबूत बनाना चाहिए, सामाजिक समरसता की भावना को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने आरक्षण के एक मार्ग, उसके पृष्ठभूमि, उसके संवैधानिक व्यवस्था, उसके विभिन्न प्रकार के आयोग, उसके औचित्य और अनौचित्य पर जो है चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आपको एक बेहतर समझ पैदा हुई होगी। तो इसके साथ साथ आप अपने अन्य विषयों की तैयारी करते रहिएगा। पुनः एक नए क्लास में आप लोगों से हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।